गुड इवनिंग गाइस। तो अभी इस टाइप का रखता है आदमी, ये और ये कहीं भी रखते, इधर ना इधर ना। तो उसमें आप लोग किसको टारगेट करना है? 1 2 3, ये 3 नंबर को टारगेट करना है। ये क्या है? काला पान, इसको टारगेट करना है। 1 2 3, टारगेट मतलब इसको फोकस करना है। गिराते समय ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, मतलब ये ऐसा घूम रहा है ना, बैठ गया ना, ऐसा बैठ गया ना, क्योंकि हम कलापन को देखा था तो ऐसा बैठ गया ना, उसको देखना है, उसका मोटापिक डालना है। और मान लो ये लाल पन मतलब ऐसा 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 गिर के बैठ गया ना, तो लाल पन बैठ गया, अब पता चले क्योंकि पहले से फोकस में है। तो इसका साथ और ये इतना सारा गुत्ती है, या से तो कोई मतलब आपका नज़र में वो बार बार दिखाई नहीं देते, नज़र में काला, ये वो भी लाल बन गया, तब भी एकदम दमादमदार बुक करना है तर्क। नहीं तो आप नॉर्मली खेलने से इसका मोटापिक चुपचाप डालना है, मतलब जितना खेलना है खेलो, लेकिन बुक करते समय गलती से ये लालपन आप देख लिया दूसरा, क्योंकि ये तो पहले से फोकस में, तो इसको तो आप मिस होगा ही नहीं, बाकी कुछ इसका फोकस करते समय तो बाकी को फोकस नहीं कर पाता ना, लेकिन गलती से देख लेता ना ये बाहर का गुतिलों को भी पान दिखाई दिया, तो तभी डायरेक्ट दम दम बजा देना है डायरेक्ट, जो भी लिमिट, अगर लिमिट नहीं है उनसे डायरेक्ट 10,000 20,000 डायरेक्ट घुसा देना है, लुत के दार चला जाना है, इस टाइप का करता है। नहीं तो आप नॉर्मली खेलो, ये जो 3 नंबर को पकड़ो, मतलब चांसेस ज़्यादा होगा, मतलब 100 से 80% चांसेस ज़्यादा आएगा, मतलब 10 बार में मतलब 1 बार 2 बार गलती आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर वही आएगा जो देख रहा है 3 नंबर में, जो है 3 नंबर, मतलब 3 नंबर गुत्ती को, गुत्ती जो बेचते समय से गिराते समय कहाँ जा रहा है, मतलब क्योंकि दिखा गिराता है, तो 3 नंबर गुत्ती जो झंडा बन गया ना, पाना बन गया ना, चिड़ी बन गया, उसको पकड़ सकना, उसको दिखना है, दिखाई देता है, तो उसका मोटा पिक डालना है। होगा, थैंक यू।